सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों के अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोग के हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स, कौन सी दो रिसेप्टिव स्किल्स हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया था कि स्पीकिंग और राइटिंग, ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या फिर राइटिंग? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग। दोस्तों, मैंने आपको क्लास में बताया कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ये मेनली किस पर फोकस करता है? रीडिंग पर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सा सही स्पेलिंग है ग्रामर का? दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब मैंने आप लोगों को सीरीज भी पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR होती है, ग्रामर AR होती है लास्ट में। और आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जिन प्रशिक्षुओं ने ध्यान से सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ा होगा, सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास को, सारे विषयों की सीरीज को अच्छे से पढ़ा होगा, उन सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया होगा तो आपके पेपर तो बहुत ही अच्छे गए होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश? तो आपको पता, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये किसी भी सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पर देखिए हाउ स्वीट इज, यहाँ पर देखिए पाया लिखा है, हाउ स्वीट इज पायल, तो यहाँ पर देखिए पायल के बाद यहाँ पर देखिए लगा हुआ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा हुआ है, तो हाउ स्वीट इज पायल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद अगला देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए सारे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है गॉर्जियस, बस आपको सिर्फ इतना लिखना था आंसर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, तो यहाँ पर होगा आई हैव अ 1 रुपी नोट, अ होगा एंड नहीं, ठीक है, क्योंकि वन जब हम बोलते हैं तो क्या आता है, वह आता है, ये क्या है, व्यंजन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर प्रेज्ड हिम, तो आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा है, इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिफिनिट टेंस में किस तरीके से हम बनाते हैं, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर चलिए इसको हम बनाते हैं इसी के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही वॉज praised by the teacher, बस सिंपली आपको ऐसे बना देना था। इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज फॉलन इल, यानी कि एक बच्चा बीमार हुआ है कॉलेज का, सिर्फ एक बच्चा, सारे बच्चों में से केवल एक बच्चा बीमार हुआ है, वन लिखा है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज ही तो आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, तो यहाँ पर देखिए ओ यस के आगे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगेगा, और ये जो पूरा है ओ यस, ये पूरा डबल नोटेड कॉमा में जाएगा ओ यस, और फिर यहाँ सेट के आगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम करेंगे ओ यस, फिर यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम बंद करेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल के बाद, फिर यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे सेट द फादर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इतना होने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा करके फिर हम डबल नोटेड कॉमा लगाएंगे और इसमें लिखेंगे आई कैन नॉट एटलीस्ट डू दैट मैच, फिर उसके बाद इसको हम डबल नोटेड कॉमा में बंद कर देंगे इस तरीके से, तो ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से बनना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हमें इसको बदलना है, यानी कि हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। द डीफ कैन नॉट हियर, तो ये हो जाएगा कैन द डीफ नॉट हियर, बस इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना था हमें, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, तो पहला है
आई एम सीनियर देन यू, तो यहाँ पर देन को काट करके हमें क्या कर देना था, बस टू, क्योंकि आपको पता है सीनियर इंफीरियर सुपीरियर जूनियर के साथ हमेशा टू लगता है, और मैंने ये आप लोगों को क्लास में भी बताया है और सीरीज में भी बताया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी बताया। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से सारी वीडियोज को देखा होगा मेरी, उनका आज इंग्लिश में 25 में 25 सही होगा। फिर देखिए आते हैं, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, दो ही इज पुअर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे येट ही इज हैप्पी, बस इस तरीके से हमें लिखना था। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये है फिलोसफी, PHYLOSOPHY फिलोसफी, और ये है अल्फाबेट, ALPHABET अल्फाबेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल, तो नाउन की परिभाषा देनी है और इसके टाइप के बारे में बताना है, तो चलिए देख लेते हैं नाउन की परिभाषा को। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो देखिए यहाँ पर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा 5 प्रकार का होता है इंग्लिश में, सबसे पहले कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास काइंड और ग्रुप, जैसे कि बॉय लड़का, अब लड़के में चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो सब लड़के हो, गर्ल में भी इसी प्रकार सिटी शहर बुक रिवर ईटीसी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। इसके बाद प्रॉपर नाउन पे आते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम, जैसे कि अनिल किसी व्यक्ति का नाम है, गीता किसी किसी लड़की का नाम है, किसी औरत का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, तो कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स ग्रुप्स टुगेदर एज वन होल, जैसे कि क्लास, क्लास में ढेर सारे लोग साथ में बैठते हैं, टीम, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आएंगे मटेरियल नाउन पर, मटेरियल नाउन में आप देखिए, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू मटेरियल नाउन, जैसे कि आयरन वुड कॉटन ग्लास, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट एक्शन आइडिया फीलिंग इट इज, जैसे कि ऑनेस्टी ब्रेवरी काइंडनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, बच्चों को कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, दोस्तों पहला यही जाएगा, टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि स्टूडेंट्स की जो पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसको हम क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, उनके कल्पना करने की शक्ति और क्या होती है, बढ़ती है, पावर ऑफ इमेजिनेशन उनकी और इंक्रीज होती है। फिर है दूसरा, टू डेवलप द लव फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग, जब हम पोएट्री बच्चों को पढ़ाते हैं, पोएट्री बच्चों को अच्छी लगती है, तो बच्चे खुद से भी कविता लिखने की कोशिश करते हैं और कविता को पढ़ते भी हैं, तो ये दो एम हो गए पोएट्री को पढ़ाने के। फिर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड, तो दोस्तों जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, इन दिस मेथड टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड, यानी कि इसमें दो लैंग्वेज यूज होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दो मेथड्स का, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है। यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि अक्सर ये खाली, इसको कौन यूज करता है, इसको टीचर्स ही यूज करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, और मदर टंग का प्रयोग करके हम मीनिंग्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जैसे कि हम अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो इसी प्रकार से इंग्लिश को सीखते हैं बायलिंगुअल मेथड के द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पर हम मीनिंग को याद करते हैं और फिर उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है कि हमें जो भाषा है, जिस भाषा को हम सीखना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिस करने से ही आती है, तो प्रैक्टिस हम इसमें बहुत करते हैं, ठीक है। और जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, इसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका ज्यादा उपयोग नहीं होता, यानी कि अगर क्लास में श्रव्य दृश्य साधन नहीं भी है तो भी आसानी से टीचर अगर बोर्ड पे समझा करके बता रहे हैं तो भी हम भाषा को सीख सकते हैं बाइलिंगुअल मेथड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर,
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. देखिए, ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए डबल सी ई पी टी. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर. वो मेरा ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता. फिर है डू नॉट वॉक बेयर फीट. बेयर मतलब नंगे पाओ. नंगे पाओ मत चलो. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो पहला है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर एट अ परफॉर्मेंस. तो ये हो जाएगा ऑडियंस. क्या हो जाएगा? ऑडियंस हो जाएगा. फिर है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ. तो ये है ओलरी कल्चर. ओ एल ई आर आई सी यू एल टी यू आर ई. ओलरी कल्चर. ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों ने पूरे के पूरे पेपर को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने सारा पेपर दे लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ने कितने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया था. और आगे के तो दोनों सेमेस्टर हैं आपके, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, उसको भी आप लोग हमारे चैनल से ही पढ़िएगा दोस्तों. अब आपको वैसे भी समझ में आ चुका होगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से सारे विषयों को पढ़ा है हमारे चैनल से और आपके पेपर कैसे गए. तो आपको अब ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे कि आप लोग हमारे चैनल से पढ़िएगा. तो आप लोग निश्चित रूप से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ोगे और अभी से अपने अगले सेमेस्टर्स की भी तैयारी अब शुरू कर दोगे. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कोई डाउट है आपको, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं. चारों के चारों सेमेस्टर्स को ऑलरेडी हम हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं. सारे के सारे विषयों के नोट्स हमने बना के आपको दिए हैं. तो आप सारे विषयों को पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हमसे ऐसे जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए. और आपको सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी. सारे पेपर्स को अच्छे से मिला लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछ लीजिए. हम आपको उस वीडियो की लिंक दे देंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत है या फिर हम आपको खुद उसका सलूशन देंगे. तो वीडियो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोज को देखते रहिए. थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए.